हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं शेवों की सब्जी। शेवों की सब्जी वैसे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत जल्दी बनती है। हम ये शेवों लाते हैं, ये अगर बारिश के मौसम में नरम हो जाती है तो इसे सब्जी बनाकर यूज़ कर सकते हैं। बहुत टेस्टी इसकी सब्जी बनती है, आप इसे चावल या रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करेंगे। हमने एक कढ़ाई में तेल लिया है एक बड़ा चम्मच, उसमें हम जीरा राई डालेंगे। हम इसमें हल्दी और मिर्ची डालेंगे, पानी डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक। नमक हम कम ही रखेंगे क्योंकि सेवों में भी नमक होता है। एक टेबलस्पून धनिया पाउडर। हमारा पानी बॉईल हो गया है, अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। दही जरूर से हमें ऐड करना है फ्रेंड्स, और दही में जब तक उबाल नहीं आ जाता हमें तब तक इसे ऐसे ही चलाते रहना है। हमारे दही में उबाल आ गया है, अब थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे। अब हम इसमें सेव डालेंगे। सेव डाल के हमें 2 से 3 मिनट तक ही लो मीडियम फ्लेम पे रखना है फ्रेंड्स, हमें ज्यादा नहीं रखना है क्योंकि ये बहुत जल्दी नरम हो जाएगी। हमारी सब्जी बनकर रेडी हो गई है, अब हम इसे बस फाइनल टच देना है। हम थोड़ा सा इस पे डालेंगे कसूरी मेथी और थोड़ा सा हरा धनिया। हमारी सब्जी कंप्लीट हो गई है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।